हे दोस्तों, अभी मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आपको सीधा सीधा जवाब देना है। कोई भी ये ट्रिक क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। समझो, दो लड़के हैं, एक है राज और एक है राहुल। नाउ राज और राहुल है ना, दोनों ही बहुत ज्यादा मेहनती है, लेकिन जो राज है वो मेहनत के साथ जब पढ़ाई करता है तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आता है, इजीली सारे एग्जाम्स क्लियर कर देता है। जबकि जो राहुल है ना, वो मेहनत करता है लेकिन उसे पढ़ाई पल्ले नहीं पड़ती है, वो कितनी भी मेहनत कर ले उसे एग्जाम्स क्रैक करने में काफी प्रॉब्लम होती है। अब आप बताओ, ज्यादा स्मार्ट कौन है, राहुल या फिर राज? चलो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि आप बेटर डिसीजन ले सको। राज जो है ना, वो इतना अच्छा पढ़ाई करता है कि वो हमेशा टॉपर बनता है, जबकि जो राहुल है वो पढ़ाई में अच्छा होता ही नहीं है, इसीलिए वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट ही नहीं कर पाता है, ना ही अपनी डिग्री ले पाता है। अब बताओ कौन ज़्यादा स्मार्ट है? वेल, आप मानो ना मानो, बट ये जो दूसरा लड़का है ना, उसे दुनिया वाले बेवकूफ़ समझेंगे, स्मार्ट नहीं समझेंगे, स्टूपिड समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्स। बट अगर हम जिंदगी में और आगे जाए तो कहानी बदल सकती है। आपने ये चीज़ कई बार नोटिस करी होगी, जो स्कूल कॉलेज में कई बार टॉपर्स होते हैं वो लोग अच्छे मार्क्स ला के एक अच्छी कंपनी में जॉब कर लेते हैं, बट वहीं दूसरी तरफ कई बार जो बैक बेंचर्स होते हैं या फिर सी स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो लोग कई बार अपनी जिंदगी में बिजनेस करने लग जाते हैं और फिर खुद बड़ी बड़ी कंपनी खोल लेते हैं जिसके अंदर वो लोग टॉपर्स को हायर करते हैं। और ये तो चलो मैंने हवे में बोला था, लेकिन अभी आपको एक एकदम इंटरेस्टिंग सा रियल एग्जाम्पल देता हूँ। एक प्रोफेसर है VN पर्थिबन, जो ना पढ़ाई में काफी अच्छे थे। उन्हें पढ़ाई करना, एग्जाम्स देना इतना पसंद था ना कि उन्होंने पढ़ाई कर करके 145 डिग्रीज अचीव करी है। आप बोल सकते हो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिग्री किसी के पास है तो वो इनके पास ही है। बट वहीं दूसरी तरफ आप रिचर्ड ब्रांसन को देखो, जो कि एक बिलियनर है। उन्होंने 16 साल की एज में ही पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, और आज वो बिलियनर है जो कई सारे टॉपर्स को अपनी कंपनी में जॉब देते हैं। आप बताओ इन दोनों में से आपके हिसाब से कौन ज्यादा स्मार्ट है? अब कुछ लोग होंगे शायद वो बोले कि नहीं नहीं प्रोफेसर VN जी ही समझदार है। हाँ वो है भी, मैं भी मानता हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट, एकदम सच्चे दिल से बोलना, अगर मैं एक इवेंट करता हूँ और वहाँ पे मैं रिचर्ड ब्रांसन को बुलाता हूँ और वर्ल्ड डिज्नी के ओनर्स को बुलाता हूँ और ऐसे मिलियनर्स बिलियनर्स को बुलाता हूँ, तब वो ज्यादा लोग उनकी बातें सुनने आएंगे, बातें सीखने आएंगे, या फिर प्रोफेसर VN जी की बातें सुनने ज्यादा लोग आएंगे? और मेरा एकदम पक्का सच्चा ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछो तो ज्यादा स्मार्ट मुझे रिचर्ड ब्रांसन और ऐसे सक्सेसफुल मिलियनर्स बिलियनर्स जो इंडिया में भी बहुत सारे हैं, वो लोग ही मुझे ज्यादा स्मार्ट लगते हैं, ना कि वो लोग जो एकेडमिकली सिर्फ स्मार्ट होते हैं। अब देखो, स्मार्ट बनना है ना, कई बार लोगों को लगता है बहुत मुश्किल चीज होती है, बट ऐसा है नहीं। अगर आपको स्मार्ट बनना है ना, तो आपको सिर्फ तीन चीजें समझना जरूरी है। फर्स्ट, अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। जैसे मैंने रिचर्ड ब्रांसन का आपको एग्जांपल दिया, वो पढ़ाई में इतने स्मार्ट नहीं थे, वो उनकी वीकनेस थी, बट वहीं दूसरी तरफ वो बिजनेस करने में बहुत अच्छे थे। वो बहुत छोटी एज से ही उन्होंने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था, ये उनकी स्ट्रेंथ थी जिसे उन्होंने अच्छे से समझा और उसके अंदर वो ऑल इन घुसे पढ़ाई छोड़ के। जबकि कई बार ना, आप नोटिस करना, लोग है ना अपनी पूरी लाइफ में कन्फ्यूज रहते हैं कि उन्हें करना क्या है, जिसकी वजह से बहुत स्मार्ट होने के बाद भी ये लोग स्मार्ट कहलाए नहीं जाते हैं या फिर सक्सेसफुल लाइफ में होते नहीं है। इसलिए पहली चीज, अगर आपको सच में स्मार्ट बनना है तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझो। हो सकता है कि आप मैथ्स में इतने स्ट्रांग ना हो, बट दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि आप दूसरी चीजों में स्मार्ट रहो। इनफैक्ट फ्रेम्स ऑफ माइंड करके एक बुक है जिसके अंदर ऑथर बताते हैं ना, इंटेलिजेंस के कई अलग अलग टाइप के फॉर्म्स होते हैं, बट हम लोग है ना बस एक टाइप के इंटेलिजेंस से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। सबसे पहला है अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड योर इंटेलिजेंस। देखो, इंटेलिजेंस है ना सिर्फ एक टाइप की नहीं होती है। मैक्सिमम लोगों को लगता है ना कि इंटेलिजेंट मतलब जो लोग मैथ्स में अच्छे होते हैं, साइंस में अच्छे होते हैं, अच्छे से एग्जाम्स दे पाते हैं, वही लोग स्मार्ट होते हैं, बट ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंस के कई सारे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, और ये चीज फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक है जिसके अंदर ऑथर डिटेल में बताते हैं। टोटल 9 टाइप की इंटेलिजेंस होती है। आप बताना इनमें से कौन से टाइप आपको ऑलरेडी पता थे और इनमें से कौन से टाइप की इंटेलिजेंस आपके अंदर ज्यादा है, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। पहला है इसमें से म्यूजिकल इंटेलिजेंस। आपने नोटिस करा होगा कुछ लोग मैथ्स और साइंस में इतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन वो लोग कई बार इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में बहुत अच्छे होते हैं। उनकी जो म्यूजिक की सेंस होती है वो बहुत अच्छी होती है, और वही इंटेलिजेंस का यूज करके कई बार देखना आप लोग बहुत आगे भी बढ़ते हैं। दूसरा होता है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ये वो इंटेलिजेंस होती है जो यूजुअली एकेडमिक्स में देखी जाती है, जो लोग अच्छे से मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, अच्छे से एग्जाम्स दे पाते हैं, पजल सॉल्व कर पाते हैं। फिर थर्ड आता है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। कुछ लोग होते हैं ना जो लोग फिलोसफी में बहुत अच्छे होते हैं, जो लोग ना बड़ा सोचते हैं और बड़े क्वेश्चंस के पीछे जाते हैं। फिर आता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ये वो टाइप की इंटेलिजेंस होती है जिसके अंदर आप दूसरे लोगों को बहुत अच्छे से समझ पाते हो कि सामने वाला इंसान क्यों सैड है, क्यों गुस्सा हो रहा है, क्यों खुश है, और ये भी बहुत पावरफुल है। फिर आते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। कुछ लोग होते हैं ना इस चीज में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब अगर आप उनको ना फिजिकल एक्टिविटीज कराओ, स्पोर्ट्स में घुसाओगे ना, तो वो चीज में वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिर आता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ये वो लोग होते हैं ना जो लोग बहुत अच्छे से बातें कर पाते हैं, चीज़ें अच्छे से लिख पाते हैं। ये लोग अलग अलग लैंग्वेजेस इजीली सीख सकते हैं, ये वर्ड्स का यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं स्टोरीज लिखने के लिए, शायरी लिखने के लिए या बुक लिखने के लिए। फिर आता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ये वो टाइप के लोग होते हैं जो खुद को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। इन लोगों के लिए खुद को समझना बहुत आसान होता है और ये इस चीज़ में इंटेलिजेंट होते हैं। एक होते हैं नेचुरलिस्टिक।
ये लोग ना नेचर को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, लाइक पेड़ पौधे जानवर, इन लोगों में इनका इंटरेस्ट बहुत होता है और वो इसमें बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे कि आपने देखा हो ना, कई सारे लोग होते हैं जो जानवरों से बहुत अच्छे से, जो शेर चीता और ऐसे खतरनाक खतरनाक जानवरों के साथ भी बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाते हैं, या फिर वो नेचर में बहुत अच्छे से थ्राइव करते हैं। लास्ट है स्पेशल इंटेलिजेंस। ये लोग ना पिक्चर्स और अपने आसपास के स्पेस को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। अगर ये लोग को कहीं छोड़ दो, इनका सेंस ऑफ डायरेक्शन बहुत अच्छा होता है। ये थे वो नॉ टाइप के इंटेलिजेंस। और कई बार हम लोग क्या करते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करते हैं, जो है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। आप बताना कि इन नौ में से आपकी कौन सी इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा है। और टू बी ऑनेस्ट, आपको है ना अपनी इंटेलिजेंस, अपनी स्ट्रेंथ को समझ के ही उसके अंदर ज़्यादा आगे काम करना चाहिए। स्मार्ट बनने के लिए दूसरी चीज़ जो आपको करनी होगी वो है टू स्टे विद द राइट पीपल। देखो, हो सकता है आपकी बॉडीली काइनेस्थेटिक की जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर जो मूवमेंट्स है, आपका जो उछलना कूदना, आपके अंदर ये इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा स्पेंड टाइम करते हो जो लोग लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस रखते हैं। तो आपको क्या लगता है, वो लोग आपको अप्रिशिएट कर पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। और सेम गोज विद देम ऑल्सो। अगर आप देखो एक इंसान जो शायद से ना मैथ्स में लॉजिकली बहुत स्मार्ट है, उसी बंदे को अगर हम लोग कोई इवेंट पर डाल देंगे जहाँ पर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, लोगों से बात कर पाना, उनके इमोशन समझ पाना, वो आपको लगता है वो दूसरे लोगों से अच्छे से बात कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। और ऐसा होता भी है, एक शो भी है इनफैक्ट बिग बैंग थियरी, जिसका शेल्डन बहुत अच्छा एग्जांपल है। शेल्डन है ना थियोरेटिकली बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है, मैथ्स लॉजिक ये सारी चीज़ें उसकी बहुत खतरनाक होती है, लेकिन वो दूसरों के इमोशन ज़रा भी नहीं समझ पाता है। कब कौन सी चीज़ बोलना चाहिए, सामने वाला इंसान गुस्सा है खुश है, वो ये सारी चीज़ों को ज़रा भी नहीं समझ पाता है। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो शेल्डन भी स्टूपिड है कुछ चीज़ों में, और अगर वो ऐसे लोगों के साथ रहेगा जिन लोगों के इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज़्यादा है, तो वो लोग उसे स्टूपिड ही बोलेंगे। बट क्या सच में वो स्टूपिड है? अगेन आंसर है नहीं। समझने वाली बात यह है कि हमें ना अपने आप को सही लोगों के साथ एसोसिएट करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, हम अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझेंगे और बड़े बड़े काम कर पाएंगे। देखो, आपने देखा होगा स्मार्ट से स्मार्ट लोगों को लोग बेवकूफ़ बोल देते हैं, साइंटिस्ट लोग भी आके वीडियो बनाते हैं तो कई सारे लोग उन्हें बेवकूफ़ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उसकी वैल्यू ही नहीं करते हैं। आपने वाली स्टोरी सुनी भी होगी कि एक बच्चे का बाप जब मर रहा होता है तो वो उसे एक पत्थर देता है और वो उसे तीन अलग अलग जगह जाके पूछने बोलता है कि इसकी वैल्यू क्या है पता कर क्या। कबाड़ी के पास जाता है तो वो उसे बहुत कम पैसे देता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 5 रुपये। वही उसे सुनार के पास लेके जाता है तो वो उसे 5,000 देता है फॉर एग्जाम्पल। बट उसी को वो एक रेयर म्यूजियम वाले के पास लेके जाता है और उसे वो पत्थर दिखाता है तो वो उस सेम पत्थर के लिए उसे 5 मिलियन या बहुत ज़्यादा पैसे ऑफर करता है। इसका मोरल क्या था कि यार पत्थर सेम था लेकिन वो पत्थर की वैल्यू हर जगह पे अलग थी डिपेंडिंग ऑन द पर्सन जिसे हम वो वैल्यू दिखा रहे हैं। इसलिए सेकंड चीज़, अगर आपको स्मार्ट रहना है, स्मार्ट बनना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो आप अपने आप को सही लोगों के साथ एसोसिएट करो जो आपकी वैल्यू करते हैं, जो आपको स्मार्ट बोलते हैं, ताकि आप स्मार्टनेस से अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ा सको और ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप स्मार्ट बनने के लिए कर सकते हो, जो सिंपल है, उसके लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अगेन कोई ट्रिक क्वेश्चन नहीं है। समझो एक बच्चा है 5 साल का जिसने दुनिया नहीं देखी है, जिसे दुनिया का कोई भी आइडिया नहीं है, वो है एक तरफ, और दूसरी तरफ है एक बूढ़ा इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी सारे उसने अलग अलग एक्सपीरियंसेस देखे हैं। आप बताओ इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्मार्ट है आपके हिसाब से? ऑब्वियसली वो बूढ़ा इंसान, राइट? क्योंकि उसने अलग अलग ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस लिए हैं। और यही बात है कि लाइफ में ना जितनी आप चीज़ें करोगे, जितना आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस लोगे अलग अलग चीज़ों के, उतना ज़्यादा आपकी स्मार्टनेस बढ़ेगी। मैंने खुद कई बार ऐसा देखा ना कि कुछ लोग होते हैं जो 20-25 साल के होते हैं, लेकिन जो उनकी इंटेलिजेंस होती है वो 30-40 साल या 50 साल के लोगों से भी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उस 20-25 साल के बच्चे ने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं, उसने बहुत सारी जगह घूमी है, या फिर आपने बहुत सारे बिजनेसेस बनाए हैं, अलग अलग लोगों से मिला है, और ये चीज़ उसे इंटेलिजेंट बनाती है। तो अब मैं ये एग्जांपल आपको क्यों दे रहा हूँ? वेल, देखो, कई बार हो सकता है कि यार आपकी एज 20 हो और शायद आपने इतने लाइफ में एक्सपीरियंसेस ना किए हो, लेकिन सबसे ब्यूटीफुल बात यह है ना कि आप ना दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी सीख सकते हो। यू शुड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स बट नोवेयर इट सेज दैट मिस्टेक्स शुड बी योर्स। मतलब बेसिकली आप दूसरे लोगों से सीखना स्टार्ट करो, और दूसरे लोगों से आप सीखोगे उनसे डायरेक्टली बात करके या उनकी बुक्स पढ़ के। आप खुद इमेजिन करो एक 80 साल का इंसान जिसने अपनी लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम्स, सक्सेस, फेलियर्स देखे हैं, अगर वो एक बुक में अपनी सारी लर्निंग्स को दे दे, एक 20 साल का बच्चा भी उस 80 साल के लाइफ के एक्सपीरियंसेस को अपने अंदर डाउनलोड कर सकता है और उतना वाइज बन सकता है, स्मार्ट बन सकता है। और यही वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीज़ होती है बुक रीडिंग की। बुक रीडिंग आपको वाइज बनाती है, आपको वो सारे एक्सपीरियंसेस देती है जो आपने करे भी नहीं है फिर भी। ऐसी अगर आपको स्मार्ट बनना है ना, तो ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं कि देखो 4 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो स्मार्ट बनने के लिए। पहला है थिंक फ्लेक्सिबल, आपकी जो सोच है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एकदम बॉक्स मेंटेलिटी वाले इंसान हो। दूसरा है आपके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए। तीसरा है कि आप लॉन्ग टर्म आपको सोचने आना चाहिए। चौथा है कि आपको थोड़ा स्लो सोचने आना चाहिए। एग्जाम्पल, कई बार आपने देखा होगा ना लोग ना इमोशनल होकर कई बार बहुत सारे गलत डिसीजन ले लेते हैं, गुस्से में ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि फिर बाद में पछताते हैं, या खुशी में ऐसे कमिटमेंट कर देते हैं जिसमें बाद में पछताते हैं। ऐसे लोग यूजुअली इतने स्मार्ट दिखते नहीं है, जो लोग इतने गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, आपने भी देखा होगा। तो अगेन क्या करना है, थिंक स्लो, धीरे सोचना है।
ये चीज ब्रायन ट्रेसी अपनी बुक गेट स्मार्ट में बताते हैं कि ये सारी चीजें आपको स्मार्ट बनाएगी। और सबसे ब्यूटीफुल बात पता है क्या है, ये सारी चीजें आप अचीव कर सकते हो सिर्फ एक हैबिट अपनी जिंदगी में ला के, वो है रीडिंग की हैबिट। बुक्स रीड करोगे तो इससे आपकी जो थिंकिंग है वो फ्लेक्सिबल होगी, अलग अलग ऑथर के पर्सपेक्टिव सीखोगे, फिर आपके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग आएगी अलग अलग ऑथर की बुक पढ़ोगे तो। लॉन्ग टर्म भी सोचना सिखाती है बुक्स, और वो आपको ठहराव के साथ भी सोचना सिखाती है, आपके अंदर सब्र लाती है, जो सारी चीजें आपको सच में बहुत स्मार्ट बना सकती है। बट हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि बुक रीड करे कैसे, बिकॉज कई बार ना बुक ले तो लेते हैं लेकिन बुक पढ़ नहीं पाते हैं, या फिर पढ़ते हैं ऐसे कि वो लोगों को कभी बुक की बातें याद नहीं रहती है, उस बुक की बातों को कभी अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। अगर आपको भी सारी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एक बहुत ही अमेजिंग बुक है हाउ टू रीड अ बुक, जिसके अंदर ना ऑथर स्पेसिफिकली बताते हैं कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, स्मार्ट लोग होते हैं, वो लोग बुक कैसे रीड करते हैं। अगर आप चाहते हो कि उस बुक की भी मैं समरी बना के आपको दे दूं, आपको बताऊं कि कैसे एग्जैक्टली बुक रीड करना चाहिए, तो आप है ना इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 5000 लाइक्स आ गए तो मैं इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा वीडियो क्रिएट करके इस बुक की समरी दे दूंगा। समराइज कर दे तो तीन चीजें जो आपको स्मार्ट बनेगी, सिंपल चीजें, पहला है अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, दूसरा सराउंडिंग योर सेल्फ विद द राइट पीपल, और तीसरा टू रीड बुक्स। वो आपको कैसे रीड करना है, अगर उसमें इंटरेस्टेड हो सिर्फ कमेंट कर दो हाउ टू रीड, और अगर मैं देखूंगा ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं जल्द से जल्द इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा वीडियो बना के आपको दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।